हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज शगुन हनी ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि अभी आपको पता है गणेश फेस्टिवल चल रहा है और मोदक जो है गणेश जी के बहुत ही फेवरेट हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही इजी तरीके से बेसन के मोदक बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। बेसन मोदक बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम 1/4 कप घी, उसमें डालेंगे 1 कप बेसन। अब इसको 8 to 10 मिनट्स तक रोस्ट करेंगे या जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक रोस्ट करेंगे। बिल्कुल स्लो गैस में रोस्ट करेंगे ताकि बेसन आपका जले ना। मुझे इसे भूनते 8 से 10 मिनट हो गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इस स्टेज में इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून घी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। प्लेट में ट्रांसफर करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी इसमें शुगर नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो पूरा मिक्सचर मेल्ट हो जाएगा। अभी ये मिक्सचर ठंडा हो चुका है, अब इसमें डालेंगे 1/2 कप पाउडर शुगर। अभी मैंने शुगर मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे मोदक बनाने के लिए और इसको रोल करेंगे। आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं। और अब इसको इसे मोदक की शेप में बनाते जाएंगे और एक टूथपिक लेंगे, उससे इसमें मोदक का डिजाइन डालते रहे। आपका मोदक रेडी है।